अपने दिमाग को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। और पॉजिटिव कैसे रखोगे? पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना जरूरी है। अगर आप पॉजिटिव लोगों के बीच रहोगे तो आप पॉजिटिव रहोगे, नहीं तो आपको जो है, जो आपके लोग हैं वो आपको नीचे खींचने के लिए बैठे हैं। तो आपको अपने लोगों को बदलना पड़ेगा, आपको अपनी संगत को बदलना पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है। रोज आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। हर आदमी जो अमीर बना है वो कहीं ना कहीं कुछ तो किया है तभी तो अमीर बना है। और डीएक्सएन में भी जब लोग आगे बढ़े तो आपको सीखना पड़ेगा कि उन लोगों ने क्या किया है आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद में तीसरा क्या है? रोज छोटा छोटा काम करना पड़ेगा। तो ये जो चीज है ये आपको करनी पड़ेगी। रोज जब आप एक्शन लोगे, जब कुछ ना कुछ करोगे तो पॉजिटिव कौन महसूस करेगा? हम खुद महसूस करेंगे। और जब हम पॉजिटिव महसूस करेंगे तो हम और मेहनत कर सकते हैं। बराबर ना? बोला जाता है कि 20% हमारी कामयाबी जो काम करना है उस पर टिकी होती है, और 80% जो काम करने के पहले जो अपनी तैयारी होती है उस पर टिकी होती है। बहुत सारे लोग काम करना तो शुरू करते हैं पर अपने आप को तैयार नहीं करते। जो लोग दुकान खोलते हैं और 12 महीने में या 11 महीने में 6 महीने में बंद करते, क्यों बंद करते पता है? क्योंकि उन्होंने किसी और की दुकान चलते हुए देखी है, इसलिए वो खुद की दुकान खोलते हैं और फिर 6 महीने में बंद करते। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि चलाना कैसा है। चालू तो कर दी पर चलाना कैसा है वो नहीं पता है। और जो लोग खुद दुकान खोलते हैं अपने आप को पहले सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, बोलते हैं कि नहीं मैंने ये दुकान खोला हूं, मुझे इसको किसी भी हाल में चलाना है, सही कि नहीं? तो कामयाब दोनों में से कौन होगा? जो अपने आप को वादा देता है और अपने आप को तैयार करता है वो, या जो सिर्फ दूसरों को देख के चलाता है वो? तो अपने आप पे भरोसा जरूरी है।